नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फगवाड़ा नकोदर रोड पर हदियाबाद के नजदीक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान की हुई मौत। पुलिस कमिश्नर जालंधर की ओर से नशा तस्करों व गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अब तक 3 तस्करों की 20 गाड़ियां और 70 लाख रुपयों की प्रॉपर्टी की सील। जंडियारा गुरु थाने में एसपीडी युवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता। एंटी गैंगस्टर मुहिम के तहत 135 जगहों पर की गई रेड। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा नकोदर रोड के नजदीक ट्रक और मोटरसाइकिल की उस समय जबरदस्त टक्कर हो गई जब मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल पंप से बाहर निकला और सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार की पहचान सतनाम सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी गाँव भानुकी के तौर पर हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना सतनामपुरा के जांच अधिकारी एएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि मृतक गांव भानुकी का रहने वाला है, जो कि अपने मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए हदियाबाद चौक के पास आया था। जैसे ही पंप से बाहर निकला तो सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला इदा है भी सरदार सतनाम सिंह सन ऑफ गुरमीत सिंह पेंड भाणो की पेट्रोल पंप तो तेल पवा आया सी। ते उत्थे सीमेंट का लद्या हुआ ट्रक जिहड़ा ही जा रहा है तो उस नाल टक्कर हो गई। टक्कर होने नाल थले आ के उन्हां दी मौत हो गई ते ट्रक मौके ते कब्जे च लै लिया। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਟਰੱਕ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ? 62 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इसी के तहत पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी तक 3 तस्करों की 20 गाड़ियां और 70 लाख रुपयों की प्रॉपर्टी सील की गई है। सीपी कुलदीप चाहल ने शहर में अन्य तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कहा कि उनके पास काफ़ी लंबी लिस्ट है जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और डीजीपी गौरव यादव के द्वारा एंटी ड्रग्स को लेकर चलाई गई मुहिम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर को जल्द ही नशा मुक्त किया जाएगा। वहीं उन्होंने नशा तस्करों को लेकर गुप्त सूचना देने वाले लोगों के लिए कहा कि अधिकारियों को भी कहा गया है कि नशा तस्करों की सूचना देने वालों के नाम और पता गुप्त रखे जाएंगे। इस मुहिम में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लोग पुलिस का सहयोग करें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इसमें टोटल 3 लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो सीज कराई है, जिसमें से तकरीबन 70 लाख की प्रॉपर्टी सीज कराई है। 3 और केस हमने अभी तैयार किए, उनको भी हम बहुत जल्दी कंपिटेंट अथॉरिटी को भेज के उनको सीज करवाएंगे। उसके अलावा हमने 20 गाड़ियाँ भी उसमें जो ड्रग्स मामले उनकी सीज की है, काफ़ी हमने रिकवरी की है और हिस्ट्री सीट ऐसे लोगों की हमने ओपन की। इसमें और भी कई ऐसे नशा तस्कर हैं जिनके अभी तक नाम आ रहे हैं? काफ़ी ये हमारे पास इसकी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है और उस पर हम टाइम टू टाइम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो माननीय सीएम साहब, हमारे माननीय डीजीपी साहब का जो एक अभियान है, उसके तहत हम ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इसको कम्प्लीटली जो एंटी जो ड्रग्स जो हमारी मुहिम है उसको सिरे चढ़ाएंगे और इन लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं सलाखों के पीछे।
पंजाब भर में पंजाब पुलिस की ओर से गैंगस्टरों के घरों और उनके रिश्तेदारों के घरों में रेड की गई। इसी तरह जंडियाला गुरु थाना में एसपीडी युवराज सिंह की अगुवाई में अलग अलग टीमें बनाकर नशा बेचने वालों और गैंगस्टरों के घरों में रेड की तैयारी की गई। इस मौके पर एसपीडी युवराज सिंह ने बताया कि एंटी गैंगस्टर मुहिम पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे पंजाब में रेड शुरू की गई है। इस रेड का मुख्य मकसद ये है कि जो एसोसिएशन गैंगस्टरों की बनी हुई है उनके रिलेशन तक पुलिस की पहुंच की जाए और उनमें जो लोग वांटेड हैं उनके घरों में रेड कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने अपनी लिस्ट तैयार की है और उन घरों में रेड की जाएगी। स्पेशल मुहिम के तहत अमृतसर देहात में अलग अलग टुकड़ियां बनाकर रेड की गई है। इस रेड में काफ़ी जानकारी मिली है और इन गैंगस्टरों के लिंक कहां कहां जुड़े हुए हैं उन्हें और भी खुफिया रिपोर्टें मिली हैं जिसमें नए लोग शामिल हैं। सबसे अहम इनकी अब की एक्टिविटी क्या है, ये क्या काम करना चाहते हैं और इनके नए प्लान क्या हैं। इन सभी को कवर करने के लिए सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 135 स्थानों पर रेड की गई है। सुबह 5 बजे से पुलिस की टुकड़ियां बनाकर डीएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ इलाकों में रेड जारी है और पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में गोल्डी बराड़ के करीबी साथियों के ठिकानों पर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से छापेमारी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह चाहल ने बताया कि गोल्डी बराड़ गिरोह के 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुबह से ही पुलिस द्वारा गोल्डी बराड़ के साथियों और घरों और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन राज्य भर के सभी जिलों में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सारी कार्रवाई गुप्त तरीके से चलाई जा रही है। गौरतलब रहे कि गोल्डी बराड़ पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड का मास्टरमाइंड है। भारत से फरार होने के बाद गोल्डी बराड़ पहले कनाडा और फिर अमेरिका में शरण ले रहा है। तो वहीं गोल्डी बराड़ के करीबी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਟਲ 15 ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह की ओर से लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाई गई विशेष मुहिम के तहत थाना सिविल लाइन अमृतसर की सब इंस्पेक्टर खुशबू शर्मा की अगुवाई में एएसआई हरनेक सिंह ने पुलिस पार्टी सहित खिलौना पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर स्पेशल नाकाबंदी कर इन आरोपियों को काबू किया है जिनकी पहचान सुनील राय और मनीष कुमार के तौर पर हुई है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली खिलौना पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है ताकि इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना सिविल लाइन्स विखे परसों 20 तरीक नूं सानू एक इनफॉर्मेशन रिसीव हुई सी कि कुछ 2 शक्की नौजवान वारदात करन दी ताक विच हन। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨੀਲ ਰਾਏ ਪੁੱਤਰ ਫੇਕ ਰਾਏ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਕਲੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੂਸਰਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਕਲੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਟਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਕੜਾ ਸਰ ਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਸਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਨੰਬਰ 188 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 379-411 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 28 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ।
ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਈ ਸਨੈਚਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। नगर निगम की ओर से सोडल मंदिर इलाके के सिद्ध नगर मोहल्ला में गैर कानूनी ढंग से बनी कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी मालिकों को कई बार नोटिस भेजे गए थे, पर उन्होंने इस संबंधी नगर निगम से कोई बात नहीं की और लगातार निर्माण का काम जारी रखा। इस संबंधी नगर निगम के MTP विजय कुमार ने कहा कि जिस जगह अवैध निर्माण का काम चल रहा था उसका नक्शा पास नहीं किया गया था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह खरीद कर निर्माण करता है तो उसका नक्शा पास करवाया जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाबी गायक मास्टर सलीम द्वारा माता चिंतपुर्णी जी के बारे में जो अनजाने में शब्द बोले गए थे उसके प्रति मास्टर सलीम द्वारा माता चिंतपुर्णी दरबार में जाकर माफी मांगी और अपनी गलती का इजहार कर लिया था। माता चिंतपुर्णी प्रबंधक कमेटी द्वारा उस पर सहमति दिखाई गई, जिसके बाद मास्टर सलीम द्वारा पटियाला में काली माता मंदिर में नतमस्तक होकर माफी मांगी गई थी और पंजाब के सभी हिंदू संगठनों ने उनके माफी मांगने पर उनके साथ सहमति दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों द्वारा बिना वजह इस मामले को तूल देकर मां चिंतपुर्णी दरबार की मर्यादा को भंग किया जा रहा है, जो कि पंजाब का माहौल खराब करने के लिए मास्टर सलीम के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए समूह हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मास्टर सलीम पर किया पर्चा रद्द किया जाए और पंजाब में अमन शांति बनी रहे। इस मौके पर मनोज नन्ना, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, ईशांत शर्मा, अभिबक्षी, अशोक भील, नरेंद्र थापर, सोनू निर्मल, गुलजार खोसला, लकी मनाली, विनोद सहोता, आनंद बैंस, अनिल कुमार, अभी सब्रवाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मास्टर सलीम ने जो माँ भगवती के दरबार के चिंतपुर्णी दरबार के जाके माफ़ी मंगी तो तकरीबन 90-95% लोगों ने इस माफ़ी को सारिया ने किया भी ये ठीक किया गया भी हूँ इसने माफ़ी मंग ली है, पर कुछ लोगों ने इस गल को परसनल इशू बनाया। उन्होंने जी अपने परसनल लड़ाइया से उन्होंने इस मुद्दे में लिया, जिस का नतीजा ये निकलिया कि पुलिस प्रशासन उत्ते नजायज़ दबाव पा के ये परचा दर्ज करवाया गया, जो कि सनातन की मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि सनातन दे विच कोई भी जिहड़ा धार्मिक स्थान है, कोई भी शक्तिपीठ है, उहदे उत्ते कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब शक्तिपीठ दे विच जाके माफ़ी मंग ली गई, उत्थे जाके नतमस्तक हो गए, तो उस तो बाद कोई इदां दी गल मेरे ख्याल दे नाल नहीं रही जाती। ये सिर्फ अपनी अपनी ईगो बगान जां अपनियां परसनल लड़ाइया के तौर के उत्ते ये जो परचे वालों सिट्टा है ये सामने आया। असी सारे तमाम हिंदू संगठन, मैं पंजाब तो भी सारी जगह तो कल्ले कल्ले साथियों के फोन आए हैं, असी इस गल की बिल्कुल निंदा करते हैं कि मां भगवती के दरबार तो उपर जो कोई अपने आप को समझदा तो असी उन्हें ये काम कभी भी पंजाब दे विच नहीं होन देंगे। एक माफ़ी मंग ली दरबार के नतमस्तक होकर माफ़ी मंग ली जिहड़ा पुजारी वर्ग सीगा, क्योंकि उत्थे प्रॉब्लम सी पुजारी बारे भी पुजारी नूं कोई गल करी ना तो उन्होंने दरबार बारे कोई गल की। उन्होंने ये गल की भी पुजारी ने मैनूं पुछया, देखो असी लोग सारे बाबा मुराद शाह दे जाने आ, बापू लाल बादशाह दे जाने आ, तो असी बापू ही कहने ना, हुण बापू लाल बादशाह नूं असी बापू ही कहांगे भी बापू लाल बादशाह जी ते गए सारे लोग नतमस्तक हुंदे ने। जे उत्थे सलीम जी ने इन्नी गल कहती कि हाँ या मैं मेरे बापू का हाल पुछया भी बाबा मुराद शाह बारे गल की, बेसिकली उन्होंने सोचता यह कि मेरे बापू जी बारे पूछया, बट कहन दे विच थोड़ी जी भी कह लो भी एक चीज़ नू घुमा के उन्होंने जान बुझ के एक मुद्दा बना के, क्योंकि मास्टर सलीम जी देखो विवाद जिहड़ा आ वह जान बुझ के कोई भी सिंगर आ कोई भी फिल्म एक्टर आ उस चीज़ नू बड़ी जल्दी कैप्चर किया जाता, क्योंकि यह विवाद जिहड़ा बहुत जल्दी फैलता, चाहे कोई हिंदू धर्म नाल जुड़िया, चाहे कोई सिख धर्म नाल जुड़िया, चाहे कोई मुस्लिम, चाहे ईसाई, सारे धर्म सांझे है। ये तो असं इंडिया के रहने हैं, भारत के भी रहने, यही कहने कि सारे धर्म सांझे है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सारे भाई भाई है। एक अजीब भर है, वो मेरी भी गलत हो सकती है, वो थोड़ी भी हो सकती, किसी भी हो सकती है। उन्हें माँ चिंतपुर्णी के दरबार से नतमस्त होकर माफ़ी मांग ली है। माँ चिंतपुर्णी तो वड्डा कोई नहीं है, साड़ी आस्था साड़ी सारे जुड़ी, मेरी कल्ले नहीं जुड़ी, भाजी से नहीं जुड़ी, सारे भी जुड़ी, मास्टर सलीम से जुड़ी, सारे जुड़ी है। एक वड्डे भाजी नन्हे भाई ने कह लिया कि अगर कोई गलती सिख धर्म कोई करता है तो उत्थे जाके माफी मांगता तो माफी दे, असी वड्डे हो गए हैं,
गांव सादिकपुर में करवाई जा रहे 25वें नरेंद्र बीबा यादगारी अंतर्राष्ट्रीय सभ्याचारिक मेले का पोस्टर पंजाब प्रेस क्लब जालंधर में प्रसिद्ध लोगों और कलाकारों द्वारा संयुक्त तौर पर रिलीज किया गया। इस अवसर पर मेले के मुख्य संचालक और सभ्याचारक मेले के बादशाह गुरनाम सिंह निधड़क ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेला 28 सितंबर 1997 को लोक गायिका नरेंद्र बीबा की याद में शुरू किया गया था, लेकिन अब ये मेला अश्लीलता रहित मेला बन गया है जो हमेशा समाज में फैली कुरीतियों और चिट्टे की भयानक बीमारी को जड़ से खत्म करने का निमंत्रण देता है। इस अवसर पर प्रसिद्ध लोक गायक दलविंदर दयालपुरी ने कहा कि ऐसी महान गायिका की याद में मेला लगाना गर्व वाली बात है। उन्होंने कहा कि इस मेले में फिल्मी अदाकारा अर्पिता सिंह, राज गायक हंसराज हंस, कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, नकोदर विधायक इंद्रजीत कौर मान, शाहकोट विधायक हरदेव सिंह, लाडी शेरोवालिया, आम आदमी पार्टी के क्षेत्र इंचार्ज रतन सिंह काकड़, डॉक्टर जगतार सिंह चंदी के अलावा क्षेत्र की और भी प्रसिद्ध हस्तियां शिरकत करेंगी। इस मौके पर राजेंद्र सिंह भुल्लर, आम आदमी पार्टी ब्लॉक लोहिया के प्रधान बलजीत सिंह, शाहकोट प्रधान सुरेंद्र सिंह सोनू, मेहतपुर प्रधान लखविंदर सिंह लखा, हरजिंदर सिंह लोहिया, सूफी गायक कुलविंदर शाहकोटी, लोक गायक गामा फकीर, बख्शी गिल, गुरलाल रूहानी, सादिकपुर के प्रधान राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पच्चीवां नरेंद्र बीबा यादगारी मेला जड़ा कि गुरनाम सिंह धड़क साहब उन्होंने सरप्रस्ती हेठ ग्राम पंचायत साढ़े सादिकपुर और जिन्हें भी आम आदमी पार्टी के सत्कारयोग सारे ही ब्लाक प्रधान शाहकोट लोहिया ते मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया उन्होंने सहयोग सदका प्रिंट मीडिया के सहयोग सदका पच्चीवां जड़ा यादगारी मेला पिंड सादिकपुर नेड़े शाहकोट हो रहा तुहानू सारयां नूं उत्थे पहुंचण दा सद्दा है क्योंकि यह नरेंद्र बीबा स्वर्गीय नरेंद्र बीबा की याद में मेला हो रहा। 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार बहुत सारे फनकार जिन्हें दास दलविंदर दयालपुरी भी हाजिरी भरेगा, दीपक हंस जी भी, गामा फकीर, बख्शी बिल्ला जी और गुरलाल रूहानी साहब, अनेक कलाकार जिहड़े कि बहुत सारे हाजिरी भर आ रहे हैं और कैबिनेट मंत्री सत्कारयोग सरदार बलकार सिंह जी वो स्पैशली तौर पर सानू सारे कलाकारों को आशीर्वाद देने वास्ते आ रहे हैं। MLA हलका विधायक नकोदर श्रीमती इंद्रजीत कौर मान वो भी पहुँच रहे हैं। 25वां नरेंद्र बीबा यादगारी मेला जिहड़ा पिंड सादिकपुर दे विच लगातार 25 साल तो करवाया जा रहा ते उस मेले की इस साल अं सिल्वर जुबली जी मना जा रहे हैं तो ये मेला जिहड़ा वा हमेशा लचरता तो दूर रख्या जाता वा जो भी कलाकार आ वो लोगों जो सेध देने वाले ही गीत गाँवे आ कोई भी लचरता वाला गीत जिहड़ा इस मेले दे विच नहीं आता ये साढ़े लिए बहुत माण वाली गल है तो असी अगे तो भी जिहड़ा ऐलान करते हैं कि यह जिहड़ा मेला वा हमेशा लचरता रहित मेला होगा तो इहो जिहे गीत जिहड़े आ इस मेले दे विच कलाकार वालों गाए जाणगे जो लोगों नूं सही सेध दे सकन ते नौजवान पीढ़ी नूं नशियां तों जिहड़ा बचा सकन। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व को बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। बाबा नानक के विवाह पर्व की खुशी में बारात रूपी अलौकिक और महान नगर कीर्तन सुबह पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब से बटाला के लिए रवाना हुआ। गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी द्वारा नगर कीर्तन की आरम्भता की अरदास की गई। बारात रूपी ये नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पांच प्यारों की अगुवाई में सजाया गया। वहीं संगत द्वारा पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। इस दौरान पालकी साहिब को सुंदर फूलों से सजाया गया। इस नगर कीर्तन में SGTC के सभी सदस्य, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए।
जिस गुर को हारिया जिन हर की हर कथा सुनाई जिस गुर को अज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ते जगत माता सुलखनी जी के विआह पुरब की जाच विशाल नगर कीर्तन गुरद्वारा श्री बेर साहब तो आरंभ होया। बहुत ही उत्साह नाल संगतां ने भाग लिया, बड़ी कृपा संगतां दे विच उत्साह इन्ना भी गुरबाणी पढ़ते जाप करते सारी संगत हजारां की गिनती दे विच इत्थे शामिल हुई आ। सो मैं वधाई दिंदा इस मौके पर समूह संगतां नूं विआह पुरब दीआं लख लख वधाइयां। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के विआह पुरब नूं संबंधित जिहड़ा वह विशाल रूपी बरात रूपी नगर कीर्तन गुरद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर लोधी तो आरंभ हो के गुरद्वारा सत करतारी साहब बटाला जी धरती पर पहुँच रहा है। और तुम देख सकते हो कि संगत जी है हजारों की तादाद के नगर कीर्तन के शामिल हुई हैं और गुरु घर दुशियां प्राप्त कर रही हैं। पिछली सारी बार नालों इस बार जो उत्साह संगत देखने मिल रहा है और संगत जी हुम हुमा के पहुँच रही है और इस बार जो टाइम जो एडवांस है। सो संगत बेनती है कि आप अपने टाइम से एडवांस होकर जोड़ा उत्तर पहुँचने की कृपालता करवा। लुकाई में उतारन वाले धन धन श्री गुरु नानक देव जी के अज विआह पुरब है। इतों हर साल की तरह संगत बड़ा ही श्रद्धा दे नाल बड़ी सेवा भावना दे नाल बड़े प्यार नाल इतों चल के सुल्तानपुर लोधी तो बटाले पहुँचदियाँ संगतां और हर साल बहुत ही खुशियां नाल मनाया जाता है। मैं इस पवित्र मौके पर सारिया संगतां नूं लख लख वधाई दिना। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने यह निर्मल पंथ जिथे चलाया उत्थे इसे धरती तो सतगुरु जी ने दो पवित्र रवायतां भी सिखां नूं बख्शी कीतियां। पहला सतगुरु नूं सिख नूं गुर शब्द दे नाल जोड़िया तां कि गुरु का सिख गुर शब्द तो सोझी लै के इस दुनियावी पदार्थां तो दूर रहे। दूसरा सतगुरु जी ने जिन्हां भी पिरतां सतगुरु जी ने पाईआं उहदे विच सब तो मुढ़ली पिरत सी धर्म की किरत करनी, फिर उहदे विच सी वंड के छकणा ते नाम जपना। उस वेले दे बहुत हटी तपी जिहड़े छड के गृहस्थ नूं जंगलां च चले जांदे सी, धूणे तपाउंदे सी, शरीरां नूं कष्ट दिंदे सी, सतगुरु जी ने गृहस्थ दा आश्रम आप धारण करके अपने सिखां नूं इह सोझी भी बख्शिश कीती कि गुरु का सिख अपने परिवार दे विच रह के गृहस्थी दा मार्ग धारण करके गुरु शब्द दे नाल जुड़ के इस भव सागर नूं पार कर सकदा। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्कॉलर विजय के मामले को लेकर लगाए गए धरने संबंधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की ओर से विद्यार्थियों के साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाकर धरना प्रदर्शन खत्म करवाया गया। इस संबंधी वीसी जसपाल सिंह ने बताया कि स्कॉलर विजय कुमार पहले की तरह फुल टाइम स्कॉलर रहेंगे, पर जब भी वे रात के समय पढ़ाने आएंगे तो अधिकारी को नोट करवाना पड़ेगा। वहीं इस संबंध में रोष प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधकों द्वारा हमेशा उनकी मांगे सुनने की जगह उन्हें रोष प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके चलते विद्यार्थी पहले धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद वीसी की ओर से उनकी मांगे सुनी जाती हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम विजय है। मैं PhD स्कॉलर हाँ पोलीटिकल साइंस डिपार्टमेंट तो। मेरी कैंपस से एंट्री बैन की गई सी, उस असी परसों भी प्रोटेस्ट रखा सी किसान जथेबंद विद्यार्थी जथेबंद ने परसों, पर नहीं मने असी इन्होंने ट्रेलर विखा के गए। अज असी पक्के मोर्चे ले आए हैं, फिर भी साड़ी जी गलबात 5 बजे तक नहीं सुनी गई। हार के सानू जो रोड जाम करना गया, जोड़े लोगों तंग परेशानियाँ उन्होंने असं माफ़ी मांगते हैं। इस विले का मैं परसों भी डील किया, मेरे को आया सी उदों भी असं कह दिता सी भी तेरा जरा स्कॉलरशिप है क्योंकि यह फुल टाइम है वो करके स्कॉलरशिप मिलता है तो वह मिलता रहेगा जब तक ये स्कॉलरशिप का है।
ठीक है, वह कॉन्टीन्यू रहेगा, वो उस तरह ही वो कोई फर्क नहीं आऊगा। नंबर एक, नंबर दो, कहता भी मैं रात को पढ़न आना है तो वह भी उन्होंने रीडिंग हॉल के असी अलाउ कर दिता है कि आकर रात को रीडिंग हॉल के पढ़ सकता, ठीक है जी। तीजी गल ये है कि अपना हैड नू एक नॉर्मल रूटीन है, जाके तुसी अपना रिपोर्ट करना होंदा है, जदों भी तुसी हाजरी लानी होंदी है ये जानगे। इट इज़ नाउ हिम एंड बिटवीन हिज हैड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो रेगुलेट करनगे, इन्हें हाजरी लाने वालों को जाना ही है, उन्होंने नॉलेज होएगा, उन्हें नॉलेज लिया के अपना जो भी इन्हें उत्थे करना है बाकी एक्टिविटी एक करेगा। मेरे ख्याल तीन मेन गल जिहड़ियां अलाउ कर दित्तियां ने। चौथी गल होर कीड़ी है, ताणिया की रिप्रजेंटेशन दे देगी, वो एक बार वो दूजी पार्टी भी इनवॉल्व है, वो सिंगल साइडेड फैसला नहीं हो सकता, उन्होंने दोबारा असं बैठांगे रीकंसिडर करांगे, दोवां दे पक्ष वेख के एक बार दोबारा फैक्ट फाइंडिंग सरी करके उसका जो भी फैसला बनेगा उस हिसाब का फैसला लैन करेगा। डिमांड यही है कि उन्होंने एंट्री एंट्री तो बैन हटाया जाए, वो बिल्कुल गलत गल है कि वो एक पी एच डी स्कॉलर हो के उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर आना अलाउड नहीं करते पे, तो साड़ी तो एक ही मंग है कि उन्होंने बैन हटाया जाए। श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के विवाह पर्व को समर्पित सुल्तानपुर लोधी से आई बारात रूपी पालकी साहिब का चंडियाला गुरु नजदीक ब्यास दरिया पुल नजदीक स्थित हाईटेक पुलिस नाके पर पुलिस टीम द्वारा भरपूर स्वागत किया गया। इस दौरान पंजाब पुलिस की टुकड़ी ने बारात रूपी पालकी साहिब के ब्यास पहुंचने पर सलामी दी और गुरु साहिब के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर SP हेडक्वार्टर अमृतसर देहात जसवंत कौर के नेतृत्व और DSP बाबा बकाला सुखविंदर पाल सिंह की देखरेख में पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध करते हुए ब्यास पुल से अमृतसर देहात की हद कस्बा मेहता तक करीब 150 पुलिस जवान तैनात किए गए। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अज धन धन गुरु नानक देव जी जिन्हां दे के अज बरात जिहड़ी आ सुल्तानपुर लोधी तो चल के पालकी साहब के रूप में साढ़े कोल पहुंची, जिदा कि जगह जगह से हर जगह से भरवां स्वागत हो रहा सीगा, ते साडे वी पंजाब पुलिस वल्लों ब्यास नाके ते जिहड़ा वा सलामी दित्ती गई आ और पंजां प्यारां नूं जिहड़ा शरोपा भेट कीता गया वा, ते सारा ही रूट जिहड़ा असीं उहनां दी जिहड़ी बरात वास्ते नगर कीर्तन वास्ते सारा ही जिहड़ा रूट ओह मेहते तक लगाया होया वा। मां मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौंक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान समीर कपूर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे दिन को सजाता है सूर्य और रात को सजाता है चांद, वैसे ही मानव जीवन को सौंदर्य से युक्त करने का काम सद्गुरु करते हैं, लेकिन यह अनुपम उपलब्धि केवल सद्गुरु बनाने से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि सद्गुरु के चरणों का दास बन जाने के बाद ही मानव जीवन शोभायमान होता है। उन्होंने कहा कि संसार में चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो अथवा ध्यानी सिद्ध संत हो या कोई महान विज्ञानी, चिकित्सक हो या शिक्षक, कोई उद्योगी हो या व्यवसायी, जब तक उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होते तब तक उसका जीवन गरिमा से युक्त नहीं होता। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि जब सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तब रास्ते का पत्थर भी मंजिल की सीढ़ी बन जाता है। इस अवसर पर राजेश महाजन, राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, भानु मल्होत्रा, केविन शर्मा, अमन सुखा, अजीत कुमार, अमित मल्होत्रा, पंकज बाबा खन्ना, सोनू छाबड़ा, अशोक शर्मा, अमरिंद्र सिंह, मुनीश शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, बाबा जोशी, संजीव शर्मा, अमरिंद्र शर्मा, सौरभ मल्होत्रा, अश्विनी शर्मा, अमरजीत सिंह, मानव शर्मा, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी, लकी, सुनील जग्गी, प्रिंस राजन पठानिया, प्रवीण, गौरी शर्मा, रिंकू सैनी, सुनील कुमार सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। Thank you.
जेठा भी हूँ सेवा हूँ करके महामाई के दरबार के उत्ते भगतों का सेर से नाता लगा हुआ है और भगतों ने बड़ी श्रद्धा के भाव के नाल महामाई की जड़ा है खबर जब किया और अहूतियां पाई मां बगला मुखी जी सारे भगतों से मेहर भरया हाथ रखन और उन्होंने तंदुरुस्ती मोक्षण के खुशियां दे इसके नाल मैं यही बेनती करना चाहना कि 24 तरीक दिन रविवार गणेश जी की मूर्ति स्थापना जी की जाएगी मंदिर पत्र के सारे भगतों को बेनती है कि वो सवेरे 8 बजे मंदिर पत्र के हाजिर हो के फिर महामाई का आशीर्वाद लैन और गणेश जी की मूर्ति स्थापना जो कि महामाई का वड्डा हवन जोड़ा वो भी उस दिन ही होएगा 8 बजे सारे भक्त जोड़े मंदिर पहुँचन 8 बजे तो लैके 9 बजे तक मूर्ति स्थापना होएगी उस तो बाद समरिया जी जोड़े है वो अपना भजन कीर्तन करेंगे और उस तो बाद वड्डा हवन जोड़ा है वो किया जाएगा बगला मुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय जय मां बगला मुखी जी अज मां बगला मुखी धाम जो कि गुरमोर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक दे स्थित है मां जगदम्बा दे इस भव्य मंदिर दे विच अज दिव्य हवन यज्ञ का जिहड़ा लड़ीवार सप्ताहिक हुंदा वो कीता गया और मां दे आशीर्वाद दे नाल बड़ी बड़ी दूरों आई संगत ने इस च शामिल होए है महामाई दे चरणां च यही अरदास बेनती है मां अपने भगतों के उत्ते मेहर भरिया हाथ रखो शरीरक निरोगता दो करपुर सुख शांति दो विशेष रूप से मैं दसना चाहना 24 तरीक को वड्डा हवन यज्ञ है रविवार को उस दिन ही गणेश जी जिहड़ा गणेश पर्व चल रहे हैं वो स्थापना की जाएगी गणेश जी की मूर्ति की और जी लगातार 5 दिन पूजा होएगी और अगले वीरवार को विसर्जन व्यास के होएगा मैं समूह संगत को करबद्ध प्रार्थना करदा कि सवेरे 8 बजे रविवार को पहुँच के महामाई के दरबार के उत्ते नतमस्तक होवो गणेश उत्सव का आनंद लो उस दिन संजीव सवरिया एंड पार्टी पहले दिन जिहड़ा वो सवेरे गुणगान करनगे सोमवार रात मंगलवार रात ते बुधवार रात को 8 to 10 प्रोग्राम होया करनगे संकीर्तन दे उस तो बाद लंगर भंडारा वीरवार सवेरे संकीर्तन और हवन यज्ञ उपरांत विसर्जन होएगा जय माता दी सारे पहुंचो और इस जिहड़ा मौके का ज्यादा तो ज्यादा लाभ उठाओ जय मां बगला माँ भगवती सेवा संघ की ओर से माता की चौकी 30 सितंबर दिन शनिवार को न्यू जवाहर नगर पार्क मार्केट के पीछे बड़ी ही धूमधाम से करवाई जा रही है। इसी संदर्भ में संघ के सदस्य जालंधर स्थित दैनिक सवेरा के कार्यालय में पहुंचे, जहां सदस्यों की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज को 30 सितंबर को करवाई जाने वाले माता की चौकी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने हेतु निमंत्रण पत्र दिया गया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने बताया कि माता की चौकी में संदीप सूद विश्व विख्यात गायक माँ का गुणगान करेंगे। 24 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6 बजे प्रभात फेरी और 25 सितंबर से 29 सितंबर तक शाम 7 से रात 10 बजे तक महामाई का गुणगान और प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर रमेश अग्रवाल, राजेंद्र सहगल, अशोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, राजेश नैयर, मुनीश पुरी, पुनीत पुरी, राजीव अग्रवाल, महेश लूथर, सुरेंद्र सहगल मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। जय माता दी। मैं राजेंद्र सहगल, मां भक्ति सेवा संघ न्यू जवाहर नगर जागरण पार्क के उपलक्ष्य में आपसे बात करना चाहता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी न्यू जवाहर नगर जागरण पार्क में 30 सितंबर दिन शनिवार को महामाता रानी की चौकी हो रही है, जिसमें संदीप सूद हुशियारपुर वाले महारानी का गुणगान करेंगे। इस उपलक्ष्य में 24 सितंबर दिन रविवार को झंडे की रस्म अदा होगी, जो सुबह 6 बजे प्रभात फेरी के रूप में न्यू जवाहर नगर की परिक्रमा करते हुए वापस पार्क में 8 बजे पहुंचेगी और झंडे की स्थापित किया जाएगा और उसके उपरांत सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोज रात को 7 बजे से 10 बजे तक महामाई का गुणगान होगा। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि 30 सितंबर को महारानी की चौकी में
शामिल होकर महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और चौकी के उपरांत महारानी के प्रसाद के रूप में लंगर का सेवन करें। जय माता दी, जय माता दी। राजेंद्र सहगल की धर्मपत्नी विपन और पंकज सहगल की माता सुनीता सहगल, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री देवी तारा मंदिर स्थित श्री रामहाल में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुनीता सहगल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व CPS के डी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पोंटी राजपाल, पवन मेहता, सुरेश सेठ, श्रीकंठ जज नवजीत भारद्वाज, श्यामलाल चड्डा सहित पारिवारिक सदस्यों में राजेंद्र सहगल, विपन सहगल, हर्षिता सहगल, पंकज सहगल, प्रदीप सहगल सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुनीता सहगल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। पूज्य मातृशक्ति आदरणीय महानुभाव, आज से सारे सहगल परिवार के नाल दुख संगत द्वंद्व आत्मा सारी छोटी भैन सुनीता जी की अंतिम अरदास के विच कतर हुई है। बहुत ही दुख की घड़ी है सहगल परिवार के लिए। 60 साल की उम्र कोई जान की उम्र नहीं होती, हले बच्चों के कार व्यार करने होंगे है, लेकिन कई बार विधान ऐसा बन जाता कि भगवान का भी गिला करने मन करता है। अज सारे असी श्रीमती सुनीता सहगल जी के अंतिम शोक सभा के विच इकट्ठे हुए हैं। हर इंसान जो इस दुनिया के विच जन्म लेंदा है, उस इंसान को एक काल रूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया तो ले जाती है। लेकिन जिहड़ा इंसान जिहड़ा प्राणी इस समाज के विच चंगे काम करता, उस इंसान के जान के नाल जिथे परिवार को बड़ी वड्डी घाट पैंदी है, उत्थे समाज में भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। राजेंद्र सहगल जिन्हां दे हम सफर हम साथी इस दुनिया तो चले गए, जे समाज दे विच विचरदे सी राजनीतिक तौर पर धार्मिक तौर पर, तो उनके पिछे इन्हां दी वाइफ दा इन्हां दी पत्नी दा बड़ा वड्डा हाथ सी, क्योंकि वह परिवार को संभालदे सी और यह समाज दे विच विचरदे सी। जालंधर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर एवं प्रसिद्ध उद्योगपति गुरशरण सिंह की माता करतार कौर का गत रात्रि आकस्मिक निधन हो गया। स्वर्गीय करतार कौर का अंतिम संस्कार हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। स्वर्गीय करतार कौर को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे गुरशरण सिंह ने दी। इस मौके पर स्वामी शांतानंद जी, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, चरणजीत सिंह चन्नी, गुरुदत्त शिंगारी, राजेंद्र सिंह मिगलानी, गोल्डी भाटिया, सुरेश गुप्ता, अमित सहगल, किशन लाल खंडवाले, विजय खुल्लर, बलजीत सिंह आलूवालिया, दविंदर सिंह मनचंदा, प्रीत खालसा, सतपाल सदीकी, दविंदर सिंह रहेजा, सुखविंदर सिंह बग्गा, इंद्रपाल सिंह, हरजोत सिंह लक्की, जगजीत सिंह गाबा, हरपाल सिंह चड्डा, जॉय मलिक सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय करतार कौर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फगवाड़ा नकोदर रोड पर हदियाबाद के नजदीक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान की हुई मौत। पुलिस कमिश्नर जालंधर की ओर से नशा तस्करों व गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अब तक 3 तस्करों की 20 गाड़ियां और 70 लाख रुपयों की प्रॉपर्टी की सील। जंडियारा गुरु थाने में SPD युवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता। एंटी गैंगस्टर मुहिम के तहत 135 जगहों पर की गई रेड। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।